बिग बॉस OTT 2 हर तरफ धूम मचाए हुए हैं। इस सीजन के लिए लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। घर में दो यूट्यूबर्स अभिषेक मल्हान और एलविश यादव ने हंगामा मचा दिया है। खासकर जब से एलविश यादव की घर में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, तभी से शो की TRP बहुत ही हाई चल रही है। तू अभी आया है तो क्या हुआ? हाँ, तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया पिछले 27 दिन में? लेकिन एलविश यादव की फैंस सलमान खान से कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं। हाल ही में सलमान खान की फैन फॉलोइंग जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। दरअसल वीकेंड के वॉर एपिसोड में सलमान खान ने बेबिका और एलविश को जमकर फटकार लगाई। वो मनीषा रानी से भी थोड़े उखड़े उखड़े दिखे। वही एलविश ने शो के एक एपिसोड में बेबिका को लेकर कुछ अपमानजनक कमेंट किया था, जिसके बाद सलमान ने उन्हें डांटा और समझाया। हालांकि एलविश यादव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब सलमान के खिलाफ सोशल मीडिया पर ढेरों रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स में बड़ी गिरावट आई है। कहा जा रहा है कि जहां पहले भाईजान को 66.8 मिलियन लोग फॉलो करते थे, वही अब उनके फॉलोअर्स की संख्या 63.7 मिलियन रह गई है। कहा जा रहा है कि एलविश यादव के साथ टकराव के बाद से सलमान खान के फॉलोअर्स की संख्या घटी है। वही गर्मा गर्म विवाद के बीच एक ताजा स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है, जो कनाडाई डकैत गोल्डी बराड का ट्वीट लग रहा है। इस समय इंटरनेट पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। ट्वीट में बराड एलविश की आलोचना करने पर सलमान के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ट्वीट की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि ये गोल्डी ने किया है या कोई और। वैसे आपकी क्या राय है एलविश यादव को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।